अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड लाइफ विद आमना। तो फ्रेंड, जैसे कि भी हम लोग चिकमंगलूर आए हुए हैं और आज हमारा जो फर्स्ट जर्नी है वो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं मुलिंगिरी पहाड़ को, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे जाने का टाइमिंग मोस्टली मॉर्निंग है या इवनिंग में है। तो जब हम लोग आए थे तो उसी दिन इवनिंग में हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। तो चलिए देखेंगे ये पहाड़ कैसा है, वहाँ पे क्या क्या है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ का जो वेदर और वहाँ का जो व्यू है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हम लोग टीवी में सब बैठ गए हैं और हम लोग जाने के लिए रेडी हैं, तो अब वहाँ पे पहुँच के मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि वहाँ का व्यू कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो, और साथ ही साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। फ्रेंड, जैसे कि हम लोग हमारे होम स्टे से निकल चुके हैं और रास्ते में हैं, और जैसे कि यहाँ का नज़ारा, जो पहाड़ है, जो पीक पे हम लोग को जाना है, वहाँ का जो नज़ारा है रास्ते का, वही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये टीटी में हम लोग आगे जा रहे हैं, जो देख रहे हैं बाहर का व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और रास्ते भी बहुत थोड़े ख़तरनाक भी हैं, पर साथ ही साथ में जो बाहर का व्यू है बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और ठंडक भी जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे और ज़्यादा क्लाउडी वेदर और ठंड सी फील हो रही है। पर अभी तो जो हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ का देखना है कि एग्जैक्टली व्यू कैसा रहने वाला है, और वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसलिए मैंने आपको बोला कि वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत व्यू रहेगा। और हम लोग को बहुत एक्साइटमेंट है वहाँ पर जाने की। बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस है मुलिंगिरी पीक, जो कि चिकमंगलूर का बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस है, और यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं इसको देखने के लिए। तो हम लोग भी चल पड़े हैं, तो चलिए पहुँचते हैं जल्द से जल्द वहाँ पे, और वहाँ का जो नज़ारा कह सकते हैं, और वहाँ का जो पहाड़ की चोटी पे जो एक नज़ारा होता है देखने का, वो देखते हैं। साथ ही साथ में जब ये टीटी जा रही थी तो सराउंडिंग में जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे थे तो ऐसा हो रहा था कि जो वहाँ पे है सिर्फ हम लोग को बादल ही बादल नज़र आ रहे थे बाहर, तो जो कि बहुत ही खूबसूरत व्यू दे रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखते जब हम लोग इन्जॉय करते हुए जा रहे हैं। तो मैं आपको भी साथ साथ में दिखा रही हूँ, इन्जॉय कीजिए। देखिए पूरा बाहर बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं, पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे भी देखते हैं कैसा है। मुसुदी नजर आ रहे हैं, इधर देखिए मुसुदी। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं जो कि मुलिंगिरी पहाड़ है, और यहाँ का नज़ारा मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकती हूँ, और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। तो
सो गाइस ये देखिए ये बादल चल रहे हैं आज. आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी बट आई कैन सी एंड माय मदर शी इज फीलिंग लाइक शी इज गोइंग टू फ्लाई. यस गाइस लुक एट द क्लाउड्स. आई विश आई कुड टच देम. नीचे है क्लाउड. ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल मैं आपको क्या बताऊँ कितना सुपर नजारा है ये नीचे. मम्मी उधर आ रहा है. मम्मी मुझे प्यारे मम्मी मुझे टच करने. काश वो टच करती गाइस. आई विश आई कुड एंड आई डोंट नो इफ वी कैन. सफारी पे जा सकते हैं और इसके पीक पे जाके और ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं. आज हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं अगर ये अभी हम लोग जाएंगे कहीं बट यहाँ का व्यू भी ज़बरदस्त है. इट्स वर्थ इट. तो गाइस अगर हम और ऊपर जाएंगे तो और ठंड रहेगी. अब इधर ही ये तो बहुत ठंड लग रही है. ये फिर भी इतना मोटा पहन के भी बहुत ठंड लग रही है. बहुत ठंडा है. बहुत इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे. इतना ऐसा लग रहा है जैसे विंटर में आपको ठंडी हवा पूरे बॉडी को ठंडी हवा टच करती हो वैसा फील हो रहा है. बहुत ज़बरदस्त वेदर है. ये व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ. वहाँ देखिए कितना सारा है. अब हम लोग वापस जा रहे हैं. मम्मी देखो वहाँ पे एलिफेंट सब रहते हैं. गाइस मैं मम्मी क्या की सोच के जा रहे और मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि वो बोर्ड जाके दिखाओ ऐसे बस आगे होते दिखाओ. तो देखिए फ्रेंड्स वो का व्यू कितना क्लाउडी है. वहाँ जाएंगे तो और ज्यादा क्लाउड और क्लाउड ही क्लाउड नजर आ रहा है. बस चारों तरफ चारों तरफ दिखाओ. गाइस मैं बहुत स्केर्ड हूँ क्योंकि वहाँ पे एक बोर्ड है कि वहाँ पे बहुत सारे क्रीचर्स रहते हैं. Awesome view. Awesome view है. बहुत जबरदस्त है. किसी को गर्मी में ठंड का मजा लेना हो तो यहाँ पे आ जाइए. चिकमंगलूर बहुत ही अच्छा अच्छा जबरदस्त वेदर है यहाँ पे. बहुत सच में ठंड है. हम ऊपर जा रहे हैं चलो. बट मुझे डर लग रहा है. तो मैं हूँ ना. आप वो देखिए मेरे कजिन साहब. आज बहुत ठंड हो रही है गाइस. मैं भाग भी नहीं सकती हूँ ऐसा ठंड हो रही है. Why don't I do it to you?
तो फ्रेंड्स यहाँ का ऊपर का व्यू बहुत जबरदस्त है। अभी हम लोग फिर से नीचे जा रहे हैं और पीछे देखिए क्लाउड ही क्लाउड है, आप देख सकते हैं। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, आज फर्स्ट डे था हमारा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और यहाँ तो क्योंकि थोड़ा पथरीला इलाका है तो धीरे धीरे मैं जा रही हूँ, आप लोग भी ध्यान रखिए, कंफर्टेबल चप्पल पहनिए ताकि आपको इजी हो, बट बहुत अच्छा व्यू था। इसी तरीके से मेरे व्लॉग देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आपको चिकमंगलूर में और कहाँ कहाँ जाना चाहिए वो मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में दिखाऊंगी। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि जो यहाँ का फेमस माउंटेन है मुलेंगिरी पहाड़, जहाँ का व्यू पहले दिन हम लोग आए तो इमीडिएट हम लोग शाम को वहाँ के लिए निकल गए क्योंकि इवनिंग का टाइम जो होता है वो बहुत मतलब खूबसूरत नज़ारा रहता है। वैसे तो यहाँ पे हर वक्त क्लाउड रहते हैं पर इस टाइम पे और ज़्यादा ठंडा और क्लाउडी था, तो आप जैसे देख सकते हैं जाने और आने का रास्ता भी जो है वो बहुत ही खूबसूरत, मतलब जो पहाड़ के ऊपर से जाना आना, जो अब जैसे वापस हम लोग जा रहे हैं तो ये कर्व और जो ये रास्ते हैं और ये पहाड़ियाँ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। आज का पहला दिन एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। अभी तो बहुत आगे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी है, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर एक नए वीडियो के साथ आपको मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।